हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम लोग सीखने वाले हैं डॉल स्टार्टर पैनल का पावर और कंट्रोल की वायरिंग। तो चलिए देखते हैं डॉल स्टार्टर पैनल का पावर और कंट्रोल की वायरिंग कैसे करते हैं। फ्रेंड्स ये 4 से 15 वोल्ट इनकमिंग सप्लाई है, RYB 3 फेज है, ये MPCB पे आ रही है, ये MPCB का सिंबल है, MPCB, ये MPCB से होकर कंटेक्टर के कॉइल नंबर 1, 3, 5 पे आ रही है, ये कंटेक्टर का टर्मिनल का सिंबल है, और ये 2, 4, 6 से आउटपुट लेंगे हैं। ये कंटेक्टर यानी K1, फिर यह सप्लाई ओवरलोड पर, ओवरलोड का सिंबल है, ओवरलोड से होते हुए टीवी पर आएगा, ओवरलोड K11 टीवी है, टीवी जहां से मोटर को सप्लाई में जोड़ेंगे ये मोटर हमारा सप्लाई से जोड़ दिए, मोटर। ये तो हुआ हमारा पावर की वायरिंग, अब देखेंगे कंट्रोल की वायरिंग। एक R से लूप लेंगे, एक B से, R फेज से लूप हमारा आएगा ओवरलोड का टर्मिनल पे, ओवरलोड टर्मिनल नंबर 95 और 98, ये 96 नंबर टर्मिनल है कि 11 यानी ओवरलोड, ओवरलोड ले लेते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये 96 से एक वायर स्टॉप बटन के लिए NC पर, ये स्टॉप है, NC स्टॉप बटन के लिए NC का सिंबल है, स्टॉप बटन के दूसरे टर्मिनल से दो वायर लूप लेंगे, एक स्टार्ट के लिए और दूसरा कंटेक्टर के लिए। ये स्टार्ट है हमारा, स्टार्ट बटन NO है, और ये कंटेक्टर का NO है K1। अब ये एक स्टार्ट के दूसरे ओर से और एक कंटेक्टर के NO से कंटेक्टर के कॉइल पे आएगा, और B फेज से कंटेक्टर के A2 कॉइल पे आएगा, A1 ये कंटेक्टर का दूसरी पॉइंट, A2 कंटेक्टर कॉइल। ये पावर की वायरिंग है, इससे हम मोटर को सिर्फ पावर दिए, पावर की वायरिंग
और ये कंट्रोल की वायरिंग है। इससे हम कहीं से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं।